guys, it's Hayu Mike here, and I'm back with another YouTube video. Today I'm back to reacting to an Indian video. I know I haven't done this one in a while, but yeah, today is the day. And yeah, if you haven't subscribed, please subscribe, and if you have subscribed, hope you're enjoying the family. And yeah, let's just get straight into it. Let's go. Hello guys, welcome to Flint Effects. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा शहर और महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई के बारे में, और जानेंगे मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपनों का शहर है मायानगरी मुंबई। मुंबई यानी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। हर रोज लाखों लोग अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आते हैं। मुंबई दुनिया भर में मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और बॉलीवुड के लिए काफी फेमस है। मुंबई मेरी सो बेसिकली मुंबई इज लाइक द हॉलीवुड, या इट्स लाइक द लॉस एंजेलिस ऑफ अमेरिका इन अ वे। जान आम सी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हर कोई अपने हिसाब से मुंबई को अलग अलग इसके अलावा भी मुंबई को सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, गेटवे टू इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, और अभी भी कुछ लोग बॉम्बे बोलते हैं। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी नाम से आया है, और अभी भी मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल मौजूद है। मुंबई इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सबसे आबादी वाला शहर भी है। I feel like when everyone asks you about India, I think the only places they know, I think it's New Delhi and Mumbai. If you haven't been to India, those are the two places that most of us know. Mumbai metropolitan area 4355 square kilometer mein phaila hua hai. That's a lot of buildings right there. That's just way too much. 2020 tak Mumbai ki total population 2.8 crore yani 2 crore 80 lakh se bhi zyada ho gaya. 28 million. मुंबई को आमिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन 2019 के हिसाब से मुंबई में कुल मिला के 37 बिलियनियर यानी अरबपति रहते हैं। और 2020 में मुंबई की कुल जीडीपी 390 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गया है, और देश की कुल जीडीपी में 5% हिस्सा मुंबई सिटी का ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग मुंबई में ही मौजूद है। मुंबई में 40 फ्लोर से लेकर 117 फ्लोर तक 180 से भी ज्यादा बिल्डिंग मौजूद है। Bro, like looking at this, I never thought India had such big and nice buildings. I always thought like the whole country of India as a whole was just like not poverty, but then was like not like the structures went up, like everything wasn't like in the, like as you see, like you didn't see those first buildings like you see in the first world countries. I just thought India was like rural, the whole country, because in a lot of movies we've never seen like places like this, to be honest. Mumbai Lower Peril area mein sthit Lodha All Round Tower ki height 742 meter hai, aur is building mein 117 floor maujood hai. इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को होल्ड पर रखा है। What? और ये बिल्डिंग ऑफिशियली ओपन होने के बाद वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा। What? मुंबई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नवी मुंबई को एक प्लांट सिटी के रूप में बनाया गया था, और आज नवी मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट सिटी है। एंटिलिया हाउस मुकेश अंबानी ने 1 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करके बनाया है, और ये घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। This is beautiful. This is a beautiful house. I won't lie to you, but then like, I know when you look at it from one side, you think that the house is not like, it's like it's not well balanced because of the way it is. इंडिया में पहली बार ट्रेन और बस दोनों मुंबई में ही चली थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, और ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि हर रोज मुंबई लोकल ट्रेन में 70 लाख You telling me all these people gonna fit in this train?
तक से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। ओह, दिस इज वे टू मच। की सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क। दिस इज वे टू मच। इंडिया में सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलता है। लाइक वी आल्सो हैव मोनोरेल्स एंड ट्रेन्स एंड ट्रेन स्टेशंस बट देन दे डोंट गेट पैक्ड दिस मच। The only time they get packed, but then there's still space, is in the morning when people are going to work or school or varsity, whatever they're going to do during the day. And by the time, like, after work hours, that's when the trains are full. But then during the day, no, man. This is just a lot. और मुंबई के मेट्रो रेल में हर रोज करीब 4 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और मुंबई टू पुणे हाई स्पीड प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd बेस्ट एयरपोर्ट है। इट टेक्स नंबर 3 बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। आई एक्सपेक्टेड इट फ्रॉम आई थॉट हीथ्रो वाज ब्यूटीफुल बट नाउ इट्स नॉट। एंड द ओनली एयरपोर्ट आई हैव बीन इन सिंगापुर आई हैव बीन टू अ कपल बट देन माय फेवरेट सो फार इज चेंगी इन सिंगापुर बट आई नेवर थॉट इंडिया वुड टेक द 3rd स्पॉट। आई थॉट मे बी अ कंट्री लाइक USA or maybe Australia or Dubai, but then India. Wow, this is interesting. India's first 5-star hotel, Taj Hotel, bhi Mumbai mein hi maujood hai. Taj Mahal Palace. Aur ye hotel Gateway of India ki baazu mein sthit hai. Mumbai ke dibbe wale bina kisi galti karte hue har roz lagbhag 2 lakh logon ke paas khane ke dibbe pahunchate hai. Deliver food. मुंबई में काफ़ी सारी मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है और ये सभी मेगा प्रोजेक्ट मुंबई की पहचान को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। मुंबई के कुछ मेगा प्रोजेक्ट जैसा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, शिव स्मारक स्टैचू, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, Mumbai Ahmedabad bullet train project. This is gonna be an interesting one. Underground and underwater metro. What? Mumbai Pune Virgin Hyperloop project. तो दोस्तों ये थी मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे मुंबई और मुंबई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा मैरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह। I guess when you plan on visiting India, I think these are the places to go. Shivaji Terminus, this bridge. Sanjay Gandhi National Park. Gandhi, Mahatma. Elephant Caves. Hanging Garden. Goregaon Film City. Like the more you're showing the parts of the nature in this place is where to tour, the more I'm thinking of like Thailand. This is beautiful, man. I would love to come to India. Isle Old Amusement Water Park. Juhu Beach. This Siddhi is beautiful. Siddhivinayak Temple. Watching the sunset. Mount Mary Church. Kanheri Caves. Bombay High Court and Razabhai Clock Tower. Jahangir Art Gallery, Brabant Stadium, case as a cricket stadium, Prince of Wales Museum, Kamala Nehru Park. Oh, this shoe looks similar to the one we have like in South Africa. It's one of the most famous. तो दोस्तों ये थी मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मुंबई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मुंबई के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई एम योर होस्ट हबीब, यू आर वॉचिंग प्लेंटी फैक्ट्स। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, स्पेशली इन द टूरिंग प्लेसेस एंड द फैक्ट्स। एंड आई कांट वेट टू सी द upcoming projects. Hopefully I'm still alive by the time most of them are completed, but one day I want to come to India, but it's cheap and I'm close to India, so yeah, this looks very, very interesting. I can't wait for the future it holds. And what I love, I think I have a lot of Indian friends here, and what I love about India
is that these people are like one of the most kindest people you can ever meet. These people are very, very welcoming. Like, if you have an Indian friend, he'll take care of you. That's one thing from my experience that I know of. And yeah, man, if you guys made it to the end of this video, please leave a like, comment, and subscribe. And see you on the next one. Peace.